ऑनर किलिंग सबसे खराब प्रकार का अपराध है जो आदिम समाजों में मौजूद है। यह संस्कृति या रीति रिवाज द्वारा विधिवत स्वीकृत है। ऑनर किलिंग एक परिवार के सदस्य के इस विश्वास के कारण हत्या है कि उसने परिवार, जनजाति या समुदाय का अपमान किया है। अपराध आमतौर पर पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों द्वारा किया जाता है और ज़्यादातर धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से प्रेरित होता है। ज़्यादातर मामलों में महिलाएं ऑनर किलिंग की शिकार होती है क्योंकि उन्हें परिवार के सम्मान का संरक्षक माना जाता है। इज्जत के लिए प्यार करने वालों की हत्या करना। अर्थ और अवधारणा। ऑनर किलिंग हिंसा का एक कार्य है जो एक परिवार या समुदाय के सदस्यों द्वारा परिवार या समुदाय पर अपमान करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ किया जाता है। ऑनर किलिंग की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि एक महिला अपने पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति है और उसके कार्य उनके सम्मान को दर्शाते हैं। जो महिलाएं सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं का उल्लंघन करती है उन्हें अपने परिवार के सम्मान के खतरे के रूप में देखा जाता है और अक्सर उस सम्मान की रक्षा के प्रयास में उन्हें मार दिया जाता है। ऑनर किलिंग आमतौर पर पितृसत्तात्मक समाजों में होती है जहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से जीने या अपने निर्णय लेने की अनुमति नहीं है। ऑनर किलिंग की शिकार आमतौर पर महिलाएं होती है, लेकिन पुरुषों को भी निशाना बनाया जा सकता है। पीड़ितों को अक्सर विवाह, पूर्व यौन संबंध बनाने, व्यभिचार करने या जबरन शादी को अस्वीकार करने के लिए मार दिया जाता है। ऑनर किलिंग उन देशों में सबसे आम है जहाँ सामाजिक मानदंड अत्यधिक पारंपरिक और महिलाओं को बहुत कम स्वायत्तता प्राप्त है। ऑनर किलिंग के मुख्य कारण। ऑनर किलिंग होने के कई कारण होते हैं, लेकिन मुख्य कारण अक्सर परिवार के सम्मान की रक्षा करने की इच्छा होती है। पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं को उनके पुरुष रिश्तेदारों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि उनके कार्यों से परिवार के सम्मान पर असर पड़ता है। जो महिलाएं सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं का उल्लंघन करती है उन्हें अपने परिवारों के सम्मान के खतरे के रूप में देखा जाता है और अक्सर उस सम्मान की रक्षा के प्रयास में उन्हें मार दिया जाता है। ऑनर किलिंग महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने की इच्छा या आर्थिक कारणों से भी प्रेरित हो सकती है। कुछ मामलों में महिलाओं को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें उनके परिवार पर आर्थिक बोझ के रूप में देखा जाता है। ऑनर किलिंग के प्रभाव। ऑनर किलिंग का अक्सर पीड़ितों और उनके परिवारों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। किसी प्रियजन का नुकसान दर्दनाक हो सकता है और परिवार इस त्रासदी से कभी उबर नहीं सकता। इसके अलावा ऑनर किलिंग के समुदाय से भीतर और अधिक हिंसा और संघर्ष भी हो सकता है। वे एक समुदाय के सामाजिक ताने बाने को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और परिवारों के बीच विभाजन पैदा कर सकते हैं। ऑनर किलिंग के खतरे को रोकने के लिए भारत जैसा देश क्या प्रयास कर सकता है? ऑनर किलिंग की प्रथा को रोकने के लिए भारत जैसा देश कई कदम उठा सकता है। इन हत्याओं को रोकने में मदद करने का एक तरीका लोगों को महिलाओं के अधिकारों और उनकी समानता के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। महिलाओं को हिंसा से बचाने और उन्हें सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से जीने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने वाले कानून बनाना भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ऑनर किलिंग के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए सहायता सेवाएं इन अपराधों के कारण हुए आघात को ठीक करने में मदद कर सकती है। अंत में, सामाजिक मानदंडों और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलने के लिए समुदाय के नेताओं के साथ काम करने से भविष्य में ऑनर किलिंग को रोकने में मदद मिल सकती है। निष्कर्ष। ऑनर किलिंग एक गंभीर समस्या है जो दुनिया के कई हिस्सों में होती है। यह हत्याएं अक्सर परिवार के सम्मान की रक्षा की इच्छा से प्रेरित होती है और अक्सर महिलाओं की इन हत्याओं के प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं, न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए बल्कि उनके पूरे समुदाय के लिए भी। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को इस मुद्दे के बारे में शिक्षित करना और सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोण को बदलने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।